भाई 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 बस बढ़िया भाई भाई। हनी भाई येलो कलर की गाड़ी में हनी भाई और ये अपने फिर सूख जाता है फिर लगानी पड़ती है। इस मौसम में बर्फबारी हो जाती है। स्नोफॉल 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 की वहाँ चल रही है स्नो की लड़ाई। आज की बोरी नीचे चलो तो ये देख रहे हो ये नहीं बोर रहे कहाँ गया हुआ है। जय श्री राम भाई लोगों सभी भाई लोग कैसे हो मस्त मजे में होंगे। तो आज मौसम हो रहा है स्नोफॉल जैसा क्लाउड्स वगैरह आ गए लेकिन देखते हैं बारिश आएगी वो स्नोफॉल होगा कि नहीं। तो देखो भाई हमारे सुरेश जी देखो कैसे तो सुरेश भाई आ रहे देखो और ये रहे। क्या हुआ सुरेश भाई आनंद आया तो ये यहाँ पे पिकअप पिकअप के पीछे लटक के आए एकदम मस्त तरीके से और ये पुल है जो हिलता भी आगे मत जाओ ज्यादा अपने तो ये हिलता भी है और ये नया पुल बन रहा है यहाँ पे। हमको छोड़ गए वो ब्रिज से सीधे निकल के थार लेके और सांस भर गई मेरे सूरज जी के दोनों के क्योंकि बहुत चढ़ाई है यार यहाँ पे और वो हमको ऐसे छोड़ के चले गए ना फोन किया ना और कुछ। बेवफा दोस्त निकले हमारे दोनों के दोनों है लेकिन आज इतनी ठंडी है सूरज जी बादल ठंड बने। हाँ तो अब जा रहे हैं हम अपने होटल में फिर वहाँ से चेकआउट करेंगे फिर आगे निकलेंगे शिशु के लिए। आज गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है मतलब जो भी ऊपर के जो हिल्स है ना उन पे सब पे स्नोफॉल हो रहा है। देखो जैसे ये यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है और उस साइड हो रहा है। तो अब हम निकल रहे हैं शिशु के लिए। वैसे एक बज गया और चेकआउट हम नहीं करे अभी तक तो अब जा रहे हैं और चेकआउट करेंगे। और सुरेश जी इधर देखो कितनी सारी क्रीम लगा रहे हो और यार क्रीम लगाते चेहरा फिर सूख जाता है फिर लगानी पड़ती है फिर सूख जाता है फिर लगानी पड़ती है। ऐसी कम से कम 35 डिब्बिया खाली हो गई तो ये क्या क्रीम ही क्रीम लगा रहे हैं जब से आए हैं बोल रहे हैं बोले क्रीम तो खूब दबा के लगाऊंगा और हेयर ऑयल लगाए बिना अपने सूरज जी का काम चलता नहीं है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे। अब आप ही सोच रहे होंगे कि यार घूम फिर नहीं रहे हो तो देखो घूमने का मतलब ये है कि जब भी आप माउंटेन्स में आ रहे हो तो घूमने का मतलब ट्रैवल ट्रैवल का मतलब अगर आप गाड़ी में घूम रहे हो ऐसे घूम रहे हो तो वही एक मजा है अपने आप में वही इन्जॉय है। इन्जॉय किसे बोलते हैं ये इन्जॉय थोड़ी है कि अपने को डायरेक्ट जहाँ जाना है वहाँ चले गए वहाँ घूम लिया वो एंजॉय नहीं है। ये जो चल रहे हैं ना अपन ये एंजॉय है इसी को कहते हैं घूमना। और डेस्टिनेशन में मजा नहीं है जो ट्रेवल में है जो रास्ते में है ना वो मजा है। लोगों आपको रूम टूर तो कराया नहीं ऐसा कुछ हमारा रूम था जिस रूम का हमने कचुम्बर बना के छोड़ा है और ये हमारे बॉस है जो कि क्रीम व्रीम लगा के तैयार हो गए। बहुत सारी क्रीम लगा ली बॉस ने भी। अरे भैया कुछ हम तो 60 डब्बी तो इनकी क्रीम में ही गई तो अपनी जैकेट वैकेट देख लो हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पारिवारिक चोरे नहीं है हम पारिवारिक लड़के हैं हम हमारा काम खुद करते हैं हम हमारे कपड़े समेटते हैं। अब हमारे बैग उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। आपको ठंडी का दिन लगता है कैसे मौसम खराब हो रहा है ना उसकी वजह से लग रहा है। अच्छा इस मौसम में बर्फबारी हो जाती है। ये देख लो ये भी ये बोल रहे हैं कि वो स्नोफॉल है वो ऊपर जो दिख रही है ना आपको। अच्छा ये धुंध हो रही है वो स्नोफॉल हो रही है। हाँ जी हाँ जी ये स्नोफॉल हो रहा है इस वाले एरिया में और उस वाले एरिया में भी स्नोफॉल हो रहा है और उसमें भी है ना। हाँ जी हाँ जी तो वो शिमला का एरिया है क्या? नहीं नहीं वो हमटा पास वाला एरिया है शिमला तो बहुत दूर है यहाँ से। हमटा पास तो हमटा पास के लिए कैसे लेना पड़ेगा फिर? हमटा पास के लिए आपको परमिट लगता है। परमिट कैसे मिलेगा? परमिट जैसे आप वहाँ जाओगे ना तो बैरिकेड्स आते हैं बीच में तो वहाँ से मिल जाएगा आपको इजीली मिल जाता है। हाँ जी हाँ जी परमिट जरूरी है। हाँ तो देखो भाई ये है स्नोफॉल देख लो स्नोफॉल दिखा दी। तो गाइज हमें स्नोफॉल नहीं मिल रही हमारा माथा खराब हो रहा है भाई। तो गाइज आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितनी सुंदर वैली है कितने अच्छे अच्छे टर्न्स आ रहे हैं और आगे चल रही फॉर्च्यूनर गाड़ी और बर्फ देखो मिल जाए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्नोफॉल मिल जाए ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि काफी मन है बर्फ देखने का। देखो एमएच नंबर की बैटरी वाली गाड़ी भी आ गई है गाइज देखो बैटरी की गोला बॉस बैटरी की गाड़ी है लाल की फिर बॉस उसको देखो। तो भाई लोगों ये बैटरी वाली गाड़ी भी आ गई है इनकी शायद बैटरी होगी डिस्चार्ज बैटरी की गोला अजी बॉस बैटरी की जब पूछोगे ना बैटरी की तो रही है मुझे भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है ना ये इलेक्ट्रिक ही है ना। ओके बॉस आपने क्या सोचा इलेक्ट्रिक नहीं है यार फिर महिंद्रा तो बढ़िया काम कर रही है महिंद्रा बढ़िया गाड़ी चाहिए। तो ये वैली देखो आप ऊपर स्नो के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं अपन अगर स्नोफॉल होगा तो सबसे पहले इधर ही होगा। अब चल रहे जहाँ पर रोहतांग की तरफ है और नजारों काफी मस्त है यानी कि ऊपर तक यानी गुलाबों तक जावा दे ला मैं गाड़ी ने फिर देखा जाए अगर बिंड बर्फ मिले जाए को नहीं अगर न मिली तो फिर जम्मू के लिए तो फिर कश्मीर भी चलना वैष्णो देवी भी चलना बीरुड़ा। ब्लैक आइसर ये तो गाड़ी पिछले ली।
स्नोबॉल 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 जैसे मान लो बहुत हल्की था ना, ये देखो बारीक बारीक दिख रही है। स्नोफॉल सुदीप भाई करा दी आखिरकार। हाँ जी तुझे तो ये देखो इस तरीके से स्नोफॉल और ऊपर दिख रही है आपको खतरनाक स्नोफॉल ऊपर हो रही है। और अभी तो आपको और दिखाएंगे, गाड़ी नहीं रोकेंगे भी ऊपर चलेंगे अपन। और तो आज स्नोफॉल फाइनली हमने देख ली, चाहे देखी हो दो दिन हाँ तो सुरेश जी क्या हो गया स्नोफॉल चुम्मा कराओ मिल गए स्नोफॉल मिल गई आनंद आ गया ना। और बोझ देखो तप रहे तो अब कर रहे हैं ट्रैक ऊपर जा रहे हैं। देखिए जितना ऊपर जा सकते हैं, कैसे जैसे परमिशन लिए कि ऊपर जा सकते हो आप लोग। गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं कर रहे और इस तरीके से बर्फ का पानी पिघल के आ रहा है। जोर से हवा चली तो स्नोफॉल हो रहा था वो रुक गया, लेकिन वो बोल रहा है कि थोड़ी देर में वापस चालू होगा। तो और वहां चल रही है स्नो की लड़ाई। ये देखो सांस भर गया ऊपर चढ़ के आते आते। मस्त स्नोफॉल हो रही है, हल्की हल्की दिख रही होगी आपको कैमरे के अंदर। नहीं दिख रही तो आंखें खोल के देखो, दिखेगी। ये देखो तो मस्त स्नोफॉल हो गई। और यहाँ पे अब थोड़ी देर बैठेंगे, विश्राम करेंगे, उसके बाद प्लान करेंगे कहाँ जाना है। बोरी ले लो, बोरी नाच की बोरी नीचे चलो तो ओए ओए ये कौन कर लो। तो गाइज आप देख सकते हो, अरे नीचे चलो तो। तो गाइज आप देख सकते हो स्नोफॉल के अंदर बॉस को स्नो चढ़ गई है। बार बार फोन करता है पापा जी, बोल रहे कहाँ गया हुआ है, ये कोई तरीका है क्या बॉबी? सनी अब इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, पापा को नहीं समझा सकता है क्या बॉबी? हाँ बॉबी, बॉबी अगर सनी का कुछ कह गया तो ये 2.5 किलो का हाथ पड़ गया तो पड़ जाएगा, उठेगा भी नहीं। बॉबी कैसे आऊं रे मैं, कैसे पार करूं रे बॉबी इसको? देख रहा नहीं है क्या सानी बॉबी आया हुआ है और सनो नहीं हो रहे, ये कोई तरीका है? हाँ और वहां पे चल रही है रील। पगलू चगर सनी बॉबे बॉबे सो गाइज अब आप बर्फ देख पा रहे होंगे, देखो कितनी मस्त स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है और मस्त गिर रही है। देखो कैमरे में इतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं हो पाता जितनी स्नो गिर रही है। और हम हैं अभी गुलाबों के अंदर और गुलाबों के अंदर स्नोफॉल है और पीछे मेरे खड़े हैं बॉबी और सनी साने। तो मस्त स्नोफॉल हो रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक सैंडविच खाई थी उसके बाद कुछ भी नहीं खाया और बालों में जम गई स्नोफॉल। वाह यार और अब आप देख सकते हो तो भाई लोगों देखो ये ब्लैक आइस है और वो फॉर्चूनर वाला देखो कैसे निकालेगा, ऐसे निकालनी पड़ेगा भी ये। तो यहाँ पे अगर गाड़ी जाती तो बहुत भयंकर स्लिप मारती। सुदीप भाई धीरे यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करेंगे। तो यहाँ पे भी नीचे मनाली में भी स्नोफॉल चालू होने लग गया है और मस्त मौसम हो रखा है। और ये भाई लोग मिले, इनसे बातचीत करिए। आ जाओ नाश्ता वास्ता कर दो। तो अब चलते हैं उधर नाश्ता करेंगे यार। छोला कुलचा गाड़ी, छोला कितना पुराना है, समोसा कचौरी ताजा वाली मसालो देख लें तो एक बार मसाला। और मस्त मौसम हो रहा है भाई लोगों, एकदम जन्नत हो रखी है आज मनाली। ये देख रहे हो, ये नहीं वो
देख मत पगली प्यार हो जाएगा। आपको नहीं बोल रहा मैं, पीछे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पीछे देखो, मिला तो बेस्ट वरना नेक्स्ट। तुम यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हुए सबके सब बहुत बिजी, सब फोन चला रहे, आपस में बहुत घुले मिले हुए आदमी हैं। सफर की तीसरी टंकी फुल होने जा रही है और अंकल हमारे फुल कर रहे हैं। अंकल की मूछें देखो आप, एकदम कड़क मूछ है और बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की, और अब देखते कितना डीजल आएगा। ये महीना हुआ बंद हुए सारी रोड, एक महीना हो गया। ऑटो कटी कर दो, नहीं नहीं तो भैया 3140 का डीजल आया, 37 लीटर डीजल आया इसके अंदर, तो ये गाड़ी दे रही है मेरे हिसाब से 7-8 का एवरेज। नहीं नहीं 7-8 का एवरेज तो दे रही है, क्योंकि पहाड़ों में क्या गाड़ी थोड़ी खींच के चलती है और हमारा बॉस को सुबह तो जानो को नहीं चला हुआ गाड़ी खींच रही है। तो हमारे बॉस एकदम कैप लगा के टेडी बियर फिर से बन चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे और ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कब रास्ते खुलते हैं कब बंद होते हैं। अपन देखेंगे इसका कितना एवरेज देती है ये, इसके किलोमीटर अभी आ रखे हैं 48,547 किलोमीटर चली हुई है और देखते हैं क्या माइलेज देती है पहाड़ों का और प्लेन का, क्योंकि इस टंकी के अंदर हो सकता है कि प्लेन रोड्स पे भी चले। तो लेट्स सी क्या एवरेज निकलता है। अज्जू भाई और विकास भाई और आगे गए हनी भाई, तो ये चल रहे हैं हमारे अज्जू भाई और आगे चल रहे हैं हमारे विकास भाई। तो तो गाड़ी को घुसाने की जगह मिल नहीं रही, ये भाई हमें गाड़ी लगाने दे नहीं रहे। अब कोड़े चाल हमने 4 बजे और स्नोफॉल, और वो देखो वो हनी भाई येलो कलर की गाड़ी में हनी भाई, और ये अपने अज्जू भाई, और उससे जस्ट आगे हैं अपने विकास भाई। भाई लोगों देखो अज्जू भाई ड्राइवरों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये देखो आप, ये देखो अज्जू भाई, भाई 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 बस बढ़िया राजस्थान से। तो अज्जू भाई देखो इस तरफ बैठ चुके गाड़ी के अंदर, और बॉस थैंक यू सो मच आई लव यू। हाल दाए तो अज्जू के साथ होटल में रुक गया। अरे लेकिन कोई परेशान कौन की मारो इंट मनाली में ज्यादा रुक बाग मन नहीं बस अब गए कर ला, अब गए कर ला। थैंक यू। तो यार देखो देखो सारे रास्ते है ना मेरे योगेंद्र भाई, भाई जब अज्जू भाई से बात हुई तो वो बोले कि हमारे साथ साथ आ जाओ, वहीं स्टे करेंगे मस्त मजे से, रात को हो सकता है कसोल निकल जाए। तो अब हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं उनके साथ। तो ये निकल गए विकास भाई आगे, सुसाट करते हुए निकले और ले जाके जस्ट आगे धीरे कर ली गाड़ी, और ये निकल रहे हमारे हनी भाई, लेकिन हनी भाई को आगे जाने नहीं देंगे। ओ लेकिन हम जाएंगे अज्जू भाई के साथ और हनी भाई को भाग जाने दो, भाग गया तो कोई बात नहीं। बारिश नहीं रुकी ये देख सकते हो आप, देखोगे कहीं तो धूल दिख रही इधर दो। तो भाई लोगों बारिश अभी तक भी नहीं रुकी और हम मनाली से निकल चुके हैं, और अब हम मनाली से निकल करके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, श्रीनगर जा रहे हैं क्या या वैष्णो देवी? ओ भाई कहाँ जा रहे हैं? तो वैष्णो देवी जा रहे हैं, आप इसको बंद कर लो, कोऑपरेट आ जाएगा हमारे। तो अब यहाँ से निकल के जा रहे हैं वैष्णो देवी, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। आर यू रेडी? रेडी। और जय माता दी। जय माता दी। तो जय माता दी भाई लोगों, और इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड, और मिलते हैं जय भैरू दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और वहां से हम श्रीनगर के लिए भी निकलेंगे अगर रास्ते खुले होंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए ब्लॉग को। हंस क्यों रहे हो? बोल दिया देखते रहो, क्यों हंस रहे हो आप? तो यार 10 बार तो बोल दिया, तो मैं हूं तो ऐसा। तो यार देखो ऐसा है, देखो सुनो मेरी बात, अज्जू भाई सबसे तो हम मिल चुके हैं आज, तो मजा आया, और थैंक्स टू सुदीप भाई जिन्होंने हमको मिलाया, क्योंकि वही गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने गाड़ी भी चलाई और नजर भी रखी कि वो कहाँ रुक रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे तो दिमाग से स्लिप हो गया था भाई, क्योंकि इतनी लाइटें दिख रही है हमें पहचान में नहीं आया। तो थैंक्स टू सुदीप भाई वंस अगेन, और एक बार और मिलना नहीं, अब वैसा मिल लिया, मिल बाग हर्ष बेनीवाल से मिलाऊं? हैं हर्ष बेनीवाल से आप मिला दियो, अमित बड़ाना से मिला दियो फिर एक बार, अमित सु को ना अपनो हर्ष से, हर्ष बेनीवाल से थे। तो नेक्स्ट जो मीटअप रखा ला ना कदे कदे, नहीं तड़के ही, नहीं नहीं तड़के तो कोनो सके। तो सुदीप भाई फिर कदे हर्ष बेनीवाल से मिलाओ ला पक्को जने, चलो ठीक है। तो हर्ष बेनीवाल से मिलाओ ना, तो इस चैनल ने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और फैलाओ ब्लॉग ने भाई लोगों। चलो इस ब्लॉग ने करा जाए अठी एंड, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको एक से एक मस्त चीज दिखाऊंगा, और आज पूरी रात गाड़ी चलानी है, तो हो सकता है कि नाइट का भी ब्लॉग बन जाए, नहीं बने तो सुबह से फिर बनाते नया ब्लॉग। चलो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, बाय।